जय माता दी। मित्रों, आज नवरात्रि का 8वां दिन है। माँ गौरी की आज पूजा की जाती है। आज आप जानेंगे एक बहुत ही अचूक उपाय। अगर आपके पास धन की समस्या है, कोई भी काम ऐसा है जो काम आपका बन नहीं पा रहा है, उस काम में अड़चन आ रही है, तो उसका उपाय क्या है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे और जानेंगे। वैसे माँ गौरी को आज अष्टमी को जो है, आज का दिन अगर ज्योतिष से देखा जाए, जिसे शुक्र ग्रह से माना जाता है, और अगर आपको राहु और केतु अगर ज़्यादा परेशान कर रहा हो, तो आपके लिए अचूक उपाय है। अब आपको करना क्या है, आप समझेंगे। एक कटोरी लेनी है, उसमें गंगा जल भरना है और माँ गौरी को पूजा करना है, और आपको एक चांदी के सिक्का लेना है। उस चांदी के सिक्का उस जल में डालेंगे और माँ का उसमें स्थापना करेंगे। माँ की तस्वीर अगर है तो वहाँ पे आप रखेंगे, माँ के सामने जल, उसमें चांदी के सिक्का और उसमें दूध डालेंगे और प्रार्थना करेंगे और विधिपूर्वक पूजा करेंगे। पूजा आपको कैसे करनी है, पूजा का भी कुछ विधि है, उसमें आपको क्या करना है। आपको सफ़ेद वस्त्र या पीला वस्त्र, अगर महिलाएं हैं तो पीला वस्त्र धारण करेंगे। और पूजा क्या करना है, एक दिया जलाना है माँ के सामने। दिया जलाना है, पीले फूल या सफ़ेद फूल रखना है, सफ़ेद जो है ना मिठाई रखनी है और पूजा करनी है। और पूजा कब करनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा आपको करनी कब है। पूजा आप जब भी करेंगे तो मध्य रात्रि शुभ माना जाता है, यानी कि मध्य रात्रि में, रात्रि के 12 बजे के बाद अगर पूजा करते हैं तो अति शुभदायी फल मिलता है। तो आप सभी कोशिश यही करें कि मध्य रात्रि में करें। आज ऐसे बोलते हैं अष्ट सिद्धि रात्रि, तो आज माँ गौरी जो है ना प्रसन्न होती है। वो आपको एक रोचक बात शायद आप ही जानते हो, मैं आपको बताना चाहूँगा। माँ गौरी कौन है? माँ गौरी जब भगवान शिव की प्रार्थना कर रही थी, पूजा जब तप कर रही थी, तो इतना कठोर तपस्या कर रही थी कि पूजा करते करते वो काली पड़ गई। लेकिन जब कठोर तपस्या के बाद जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो उसे आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं गोरा होने का, और उस टाइम से माता गौरी इतनी गोरी हो जाती है कि इस वजह से उनका नाम माँ गौरी रखा गया है। दूसरा, आप जानते हैं कि पूजा कैसे करना है। आपको उस दिन माँ को जो है ना एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल, नारियल से भोग लगाना है, सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद फूल माँ को अर्पित करना है, और माँ का जो मंत्र है उस मंत्र का उच्चारण करना है और जाप करना है। माँ को भोग लगाने के बाद आपको नारियल की क्या करना है कि अपने ऊपर से 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी आप अपने सर से वार करना है, घुमाना है, और 5 बार अपने सर से घुमाने के बाद उस नारियल को क्या करना है, दूसरे दिन बहते हुए साफ पानी में आपको प्रवाह कर देना है। कैसे घुमाना, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में 5 बार घुमाना नारियल को, और घुमा के आपको ही करना है कि हे माँ, हमारे अंदर जो भी निगेटिव है, हमारा जो भी काम नहीं बन रहा है, मेरा सारा काम हो गए, हमारे ऊपर से जो भी विघ्न है, हमारे जो भी राहु ग्रह और भी कोई ग्रह मुझे परेशान करें, वो सारा ग्रह शांत हो जाए और सारा ग्रह मुझे साथ दे, और मेरे अंदर कुछ भी अगर निगेटिव चीज़ किया हुआ है, कोई भी नकारात्मक शक्ति है, तो इस नारियल के द्वारा निकल जाए और पानी में प्रवाह हो जाए। तो आपको एक बहुत ही अच्छा महसूस होगा, क्योंकि माँ गौरी आपका आशीर्वाद देंगे, और उस नारियल के साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो मेजर प्रॉब्लम है, जो काफ़ी दिनों से परेशानियाँ चली आ रही है, वो आपके साथ उस नारियल के साथ चली जाएगी, और पानी में उसको प्रवाह कर देना है। फिर वापस आना है, पैर हाथ धो के और माता से धूप बत्ती जलाना है और प्रार्थना करना है कि हमारा दिन अच्छा हो माँ, सब कुछ अच्छा करे, हमारा भी अच्छा हो, विश्व का भी अच्छा हो और सभी लोगों का भी अच्छा हो। और
वैसे माता को क्या है ना, नवरात्रि में हम देखते हैं कन्या पूजन का विधि है। वैसे तो नवरात्रि में रोज कन्या का पूजन का विधि है, लेकिन आज विशेष है, आज कुछ खास है कन्या पूजन का। तो आप सभी कन्या पूजन भी करते होंगे। ऐसे 2 साल से 11 वर्ष की कन्या का पूजन किया जाता है। हर माँ को अलग अलग वर्ष के अलग कन्या के पूजन की जाती है। तो आज 9 कन्याएं का विधि पूर्वक पूजा करें और उसमें जो आप प्रसाद हो कन्याओं को दान दें, कन्याओं को पैर चरण स्पर्श करें, उन्हें प्रणाम करें और उनसे भी क्षमा मांगें। आपसे जो भी जाने अनजाने में अगर कुछ विकर्म हुए हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। वो माँ है ना, बोलते हैं माँ जो है ना हर कुछ हरती है। माँ पुत्र कुपुत्र जायते पर माता कुमाता नहीं होती। पुत्र जो है ना कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। तो ऐसी माँ गौरी माँ से आप सभी प्रार्थना करें और उस सभी कन्याओं को पैर छुए और उन सभी से आशीर्वाद लें और विशेष माँ से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सारा अच्छा हो, आपके ऊपर किसी भी तरह के परेशानियाँ हो वो सारी समस्याएं दूर हो जाए और आप एक सुखमय जीवन जिए, ऐसा मैं आप सभी से कामना करता हूँ। और आज माँ का विशेष विधि पूर्वक पूजा करें और रात्रि में ही पूजा करें। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी पूजा करना है तो आपको रात्रि में ही पूजा करना है, उसका विशेष फलदायी है। और आज शुक्र का भी आपको फल मिलेगा। ज्योतिष के अनुसार शुक्र हमारा क्या है, वैभव धन लक्ष्मी का मात्र है। शुक्र शुक्राचार्य को ही बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर शुक्र खराब है, इसमें और देखिएगा, किसी व्यक्ति का अगर विवाह संबंधित समस्या है तो आज माँ गौरी का पूजा विशेष रूप से जो मैंने आपको विधि बताई है उस विधि के अनुसार करें। आप देखेंगे कि आपके जो विवाह में अड़चनी आ रही है, आपकी विवाह संबंधित समस्या है, विवाह नहीं हो पा रही है, उसमें आपको काफ़ी फलदायक आपका होगा। काफ़ी जल्दी आपके विवाह का जो है ना सुनिश्चित योग बन जाएगा, क्योंकि शुक्र हमारा जो है ना प्रबल होता है। तो आपको जो चांदी का सिक्का और पानी में डाल के जो उपाय बताएं, इस विषय को, इस चीज़ को विशेष तरीके से आपको करना है और आपको आजमाना है। आप देखेंगे ज़रूर सफल होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बने रहें। आप सभी दोस्तों ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सभी के लिए शुरुआती तौर पे लाया हूँ। आप सभी से ही अनुरोध है कि आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बने रहे और सबका अच्छा हो, कल्याण हो। सर्व मंगल मांगल्य श्री विश्रवाद साधिके शरण्य त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी। हैप्पी अष्टमी, जय महागौरी।